आज का जो डे है वो कैंसिल डे है। मॉर्निंग में पहली राइड आई कैंसिल, फर्स्ट रूट में मेडिसिन डिलीवरी करने गया पहला ऑर्डर कैंसिल, इवनिंग में दूसरा रूट डिलीवर करने आया कैंसिल पहला ऑर्डर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज 11वां दिन और अभी मैं पहुंच चुका हूं बसई फ्लाईओवर के नीचे। इस साइड में पड़ेगा बसई रेलवे स्टेशन और अभी मैं खड़ा हूँ फ्लाईओवर के नीचे। दरअसल मेरे पास मॉर्निंग में एक राइड आई थी तो मैं आया हूँ बसई जो चौक है आगे, जहाँ बीकानेर रेस्टोरेंट है वहां से मैं आया हूँ वापस यहाँ। कस्टमर राइड ऑर्डर कर देते हैं और उन्हें यही नहीं पता कि हमारा पिकअप लोकेशन कहाँ का डाला, पिकअप लोकेशन डाल रखा है यहाँ स्टेशन का। मैं यहाँ के फोन कर रहा हूँ, खैर मैं तो बीकानेर के पास खड़ी हूँ, बीकानेर के पास तुम खड़े हुए जीपीएस में देखो ना कि राइडर कहाँ मूव कर रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप घर से शांत मूड में निकलते हो ना, तो आप बाहर जब काम करने जाते हो तो वहां भी आपको शांति से सारे काम होते रहते हैं। घर से ही दिमाग खराब हो तो फिर आपका सारे दिन ही ना काम में भी दिमाग खराब रहेगा। घर से निकल रहा था तो थोड़ा दिमाग खराब वैसे ही हो गया, थोड़ा पारिवारिक टेंशन की वजह से। तो अब देखो पहली राइड ही कैंसिल होगी, और जिस दिन पहली राइड कैंसिल हो जाती है ना उस दिन या तो काम नहीं होता है, सारे दिन बचत रहती है। आज देखते हैं क्या क्या होता है सारे दिन में। 1 घंटे से जोन में बैठा हूँ, जो राइड कैंसिल हुई थी उसके बाद कोई राइड नहीं आई। आप चाहे तो फोन में देख लो, देखो जो कैंसिल हुई थी उसके 4 रुपए मिले हैं, 9 बज चुके हैं। और घर से निकला था मैं तकरीबन तकरीबन 8 बजने में थी, 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट मेरे को वहाँ गुड़गांव जोन में पहुंचने में लग जाती है। और उसके बावजूद अभी तक देखो जो कस्टमर ने राइड बुक की वो गलत पिकअप लोकेशन पे डाल दी, फिर मैं 2.5 किलोमीटर उसे पिकअप पे लेने गया, फिर उसके बाद कॉल किया तो कह रहे कि मैं बसई फ्लाईओवर के पास हूँ बीकानेर जहाँ है, मैं उधर दूसरे फ्लाईओवर के पास था तो वो राइड हो गई कैंसिल और अभी तक कोई राइड नहीं आई। तो घर से निकलो, वही है सारा कि भाई घर से जब भी निकलो दिमाग रिलैक्स करके निकलो, दिमाग खराब करके निकलोगे काम नहीं होगा, सारा दिन बेकार जाएगा। तो जैसे मैंने सुबह में बोला था वैसा ही हुआ। देखो अगर सुबह आपका पहला राइड अगर कैंसिल हो जाती है या दिन खराब हो जाता है, घर से बहसबाजी करके निकले दिन खराब ही जाएगा। 4 राइड हुई हैं 3.5 घंटे में। 4 राइड करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस, क्योंकि मेरे को मेडिसिन का रूट लेना रहता है 11:30 बजे, तो 11:30 बज चुके हैं, 10 से 15 मिनट में मेरे को रूट मिल जाएगा। रूट भी से करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म, देखते हैं उस रूट में कोई भसड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो सारा ही दिन खराब चला जाएगा आज। अभी सेक्टर 15 में आज का पहला पैकेट डिलीवर करने गया था, और जैसे मैंने मॉर्निंग में आपसे बोला था ना कि पहली राइड कैंसिल हुई आज का दिन खराब हो सकता है, तो वही हुआ। मेडिसिन डिलीवरी में आया तो पहला पैकेट लेके गया वो अपार्टमेंट में, सेक्टर 15 पार्ट 2 में पड़ता है। 20 मिनट हेलो हाय ये वो सब होने के बाद में सुबह आना, शाम को आना, दोपहर में आना, फाइनली वो ऑर्डर हुआ कैंसिल। और कस्टमर ने बोला कि ठीक है मैं संडे को ऑर्डर कर दूंगी। अगर आपको पता है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो या तो घर पे ऐसा सोर्स छोड़ो पेमेंट वेमेंट का जो आप पेमेंट कर सके, अगर पीछे से कोई कोरियर आए, या फिर आप उस हिसाब से करो कि हम फोन पे या पेटीएम पे ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन आप ऑर्डर कर देते हो और ऐसा कुछ छोड़ते ही नहीं। दूसरे ऑर्डर में भी सेम कहानी, भैया संडे को आएगा, हमारे पास तो संडे को दिखा रहा है, आप फ्राइडे को ही ले आए, हम क्या करें। तो अभी कस्टमर का नंबर वंबर लेके अपना खुद का जो है पर्सनली फोन पे शेयर किया है, 15 मिनट हो गए वेट करते करते, अभी तक पेमेंट का ही वेट कर रहा हूँ, पैकेट में दे चुका हूँ। ये हालात है, ऐसा होता है जब आपका सुबह सुबह घर से निकलते टाइम टाइम खराब हो जाता है तब। अभी दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, खाना वाना खा चुका हूँ और एक झपकी भी ले ली है। और झपकी लेने के बाद अब मैं करूँगा वीडियो को एडिट, जो कि मेरा कल वाला शूट का व्लॉग है उसको एडिट करके अपलोड करूँगा। और फिर उसके बाद नरेश भाई के पास जाना है। तो मान लो जैसे ही ये लोग दीपक भाई और मानू भाई अभी निकले हैं हुंडा सिटी सेंटर के लिए, वहां से चाबी लेके आनी है मानू भाई को, तो वो जैसे ही आएंगे तो मैं यहाँ से निकलूंगा नरेश भाई के पास जाने के लिए। तो तब तक कर लेता हूँ वीडियो को एडिटिंग। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने नरेश भाई के महकमे में, वाटर प्लांट में काम करते हैं जल बोर्ड में। तो अभी देखो वो सामने कान खुजा रहे नरेश भाई, ये रे नीली पैंट में, अचानक से आवाज लगाऊंगा पीछे से,
नरेश भाई तो फाइनली इवनिंग के रूट के लिए आ चुका हूँ, जो कि राइडिंग वाला सेशन है मेरा। अभी तो सेक्टर 32 इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हुआ हूँ और 6:30 बज चुके हैं, तो एक ही राइड लूंगा ऑफिस की तरफ की, जो मेरे को 22-23 सेक्टर नोबल इनक्लेव मारुति के आसपास छोड़ दे और वहां से मैं चला जाऊं सीधा अपने ऑफिस, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और कुछ कुछ एक दो दो चार बूंद गिर भी रही हैं। तो एक ही राउंड राइड लूंगा बस, जो मेरे को ऑफिस की तरफ छोड़ दे, वहां से अपना रूट उठा के फटाफट रूट करके कंप्लीट मेडिसिन वाला और सीधे चलेंगे घर, क्योंकि बारिश कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आप देख लो मौसम ऐसा हो रहा है। आज का जो डे है वो कैंसिल डे है। मॉर्निंग में पहली राइड आई कैंसिल, फर्स्ट रूट में मेडिसिन डिलीवरी करने गया पहला ऑर्डर कैंसिल, इवनिंग में दूसरा रूट डिलीवर करने आया कैंसिल पहला ऑर्डर। अब देखो दो और बचे हैं, वो दो तो सोसाइटी के डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन आज तीनों रूट में जो है पहले पहले ऑर्डर जो है कैंसिल हुए हैं, और इन कैंसिल की वजह से आज मेरा माथा इतना खराब है बहुत ज्यादा। फाइनली आज का सेकंड रूट हो चुका है कंप्लीट और तीन ऑर्डर मिले थे, तीन में से एक कैंसिल हो गया है और दो हुए हैं डिलीवर। तो अभी मैं 37D में हूँ और होम्स फेस वन हूँ और यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करके अब मुझे पहुँचना है घर। घर मेरा पड़ेगा वो यहाँ से 12-13 किलोमीटर, तो जाने में मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ से सीधा निकलूंगा फटाफट से घर के लिए। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं घर और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और इधर देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है ये है परी, इसको कैसे पड़ी है नीचे, और ये है गौरी, देखो इनकी शैतानी क्या हो रहा है। गौरी है कंबल मजा आ रहा है तेरे को है शैतान। फाइनली फ्रेंड्स खाना वाना खा चुके हैं और आज का ये कैंसिल वाला जो दिन था, सुबह कैंसिल, दोपहर कैंसिल, शाम को कैंसिल, और दिन भी खराब गया, ये नहीं आज का दिन को नहीं कह सकते बहुत अच्छा गया है, आज का दिन बहुत खराब था। तो जैसे तैसे घर पहुंच के खाना सुकून से लिया, खाना खा के और वीडियो को करूंगा एडिट, वीडियो को एडिट करके अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हुआ अच्छा, वीडियो कर दे लाइक दोस्तों, कर दे शेयर, चैनल पे आए नए चैनल कर दे सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।